नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला ने सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह 22 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपने विधायकों व सांसदों के साथ चंडीगढ़ में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों किसानों के मुद्दों को हल करने की बात उनके सामने रखेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर उनके अनुभवहीन होने के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि आज पूरे प्रदेश में त्राहिमाम है, किसान कर्मचारी व्यापारी सभी दुखी हैं। मुख्यमंत्री व उनके मंत्री कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। देखें प्रतिपक्ष नेता अभय सिंह चौटाला ने आगे क्या कहा। ये सरकार जब से बनी, लोगों ने बढ़ाया तो इनको इसलिए था कि ये मूलभूत सुख सुविधाएं प्रदान करे। वायदे बड़े थे, लोगों ने भरोसा करके वोट दे दिया, सरकार बना दी। लेकिन इस चार वर्ष में एक अकेले रोडवेज के कर्मचारी ने, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी इनसे दुखी और परेशान, क्योंकि इनके जितने भी निर्णय हैं वो सारे के सारे आम आदमी के विरोध में जाने वाले निर्णय हैं। चाहे वो किसान की फसल की खरीद की बात हो, हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि किसान को भी ई टेंडिंग के माध्यम से अपनी फसल बेचनी पड़े। अगर कोई ई टेंडरिंग शुरू करनी है, अगर कोई इस तरह के चीजें थोपने की बात हो, तो पहले लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। चाहे फसल की खरीद का मामला, उससे लोग दुखी है, चाहे वो गेस्ट के टीचर हैं वो दुखी है, रोडवेज का कर्मचारी तो पिछले कई दिन से लगातार स्ट्राइक पे, व्यापारी दुखी है, इसीलिए हरियाणा बंद हुआ था। किसान दुखी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं कर। मैं 22 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलूंगा, जहां बाढ़ का पानी आया हुआ था, जहां बारिश की वजह से फसलें खराब, ओलावृष्टि की वजह से खराब, उसके मुआवजे की बात करें, सारे MLA मेरे साथ जाएंगे, वहीं सरकार के साथ मुख्यमंत्री के साथ इस बात की भी चर्चा करूंगा कि लगातार कर्मचारी स्ट्राइक के ऊपर सरकार ने इनसे क्या बातचीत की, और बातचीत अगर नहीं करी तो उसका कारण क्या है। क्या आप पक्के लगे हुए नौकरी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको निकालना चाहते हैं, या आप इस हरियाणा प्रदेश को प्राइवेट लोगों के हाथ में गिरवी रखना चाहते हैं, केवल और केवल अपने चलते बस ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाने के लिए रोडवेज को इन्होंने, जो एक बहुत बड़ा हमारा एक डिपार्टमेंट था जिससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधाएं मिलती थी, 50 कैटेगरी ऐसी है जो रोडवेज के अंदर थोड़ा पैसा देकर के सफर करते। अब प्राइवेट हाथों में जब ये चीजें चली जाएगी तो उनमें से एक भी व्यक्ति को प्राइवेट बस वाला अपनी बस में रियायत के साथ नहीं बैठाएगा, ना तो जो बुढ़ापा पेंशन लेने वाले उनको फ्री कोई चढ़ाएगा, ना कोई विकलांग चढ़ पाएगा, ना स्टूडेंट जो पास वाला है जो 4 टिकट लेकर के 1 महीना सफर करता है वो जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट वाले ने तो 100% अपनी कमाई पहले कर दी। इसलिए ये लोग तो हरियाणा प्रदेश को ऐसे लोगों के हाथ बेचना चाहते हैं, गिरवी रखना चाहते हैं जो लुटेरे हैं। हम अपने प्रदेश में इस तरह से सरकार अगर कोई बेहूदगी करेगी तो 100% हम उसका विरोध करेंगे, विरोध नहीं, उसके लिए जो कोई लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो भी लड़ेंगे।